दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि इंसान असफल क्यों होता है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो ये चाहता हो कि वो सफलता प्राप्त न करे, फिर भी हम लोग में ऐसे हैं कुछ जो असफल हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या आपने सोचा है कभी? मैं बताता हूँ आप ध्यान दें। यदि आपने ध्यान दिया, मेरा मानना है कि आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। आपको मैं बताऊंगा 12 पॉइंट। पहला पॉइंट, अहंकार का होना। व्यक्ति के अंदर अहंकार यानी कि ईगो होता है, वो दुनिया में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अहंकार उसकी सफलता के रास्ते में एक बाधा काम करते हैं। रावण के अंदर अहंकार था, इसलिए वो सफल नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट, इस बात से डरना कि हम सफल होंगे या असफल होंगे, ये हमारे मन में एक अनडिक्लेयर फियर अंदर आया था। तो उसी डर की वजह से हम लोग डर जाते हैं तो हम लोग असफल हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस बात को निकाल देगा दिमाग से कि मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, वो निश्चित तौर पर सफल हो जाएगा, वो असफल नहीं हो सकता कभी भी। तीसरा पॉइंट, योजना का न बनाना यानी कि प्लानिंग का न बनाना। हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं, बस जी रहे हैं, चल रहे हैं लगातार। जब तक इंसान अपनी योजना नहीं बनाएगा वो सफल नहीं होगा। कि आपको सफल होना है, असफल नहीं होना चाहते आप, तो आप योजना बनाइएगा। टारगेट का फिक्स ना होना। हम स्टडी करते हैं चाहे कोई भी एरिया हो हमारा, हम अपना टारगेट फिक्स नहीं करते हैं। जब तक हम अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे हम निश्चित तौर पर असफल होंगे। आप देखिए एकलव्य का क्या था टारगेट, उसको दुनिया का सबसे अच्छा बंदा धनुर्धर, उसने टारगेट को फिक्स किया और हुआ। इसलिए आप टारगेट का फिक्स न करना भी एक असफलता का कारण। नंबर 5 मेरा वो है आपका टारगेट और रवैया। कोई काम आता आपके सामने चाहे रिगार्डिंग स्टडी हो चाहे कोई मैटर हो, कब टालते हो आप? सोचते हो छोड़ो यार कल कर लेंगे। अरे कबीरदास ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आपने सुना होगा ये बात भी। आपने हमारा जो रवैया है टालमटोल वाला, तुम चेंज कर दें तो हम असफल नहीं होंगे। अगला पॉइंट, पारिवारिक जिम्मेदारी। पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, इस वजह से भी हम लोग असफल हो जाते हैं। क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी उठाने में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हम समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाते तो हम पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से भी असफल हो जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा, आर्थिक समस्या का आना। हमारे सामने आर्थिक समस्या आती है, हम चाहते सफल हो जाएं किसी एरिया में, पर आर्थिक समस्या जो आती है रुपए पैसे की, उस वजह से भी हम लोग असफल हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने इसके बारे में कई उपाय कर रखे हैं, जैसे कि बैंक से आप मुद्रा योजना के तहत एजुकेशन लोन करके आप सुविधा दे रखी है, फिर भी हम लोग उनका फायदा नहीं ले पाते तो आर्थिक समस्या की वजह से भी हम लोग असफल हो जाते हैं। अगला है सभी जिम्मेदारियां खुद ले लेना। हमारे यहाँ पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं दिखाने के लिए कि मैं कितना काम करने वाला हूँ, सभी जिम्मेदारी ले लेते हैं। चाहे कोई संस्था में काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट में है, दिखाने के लिए सुपर दिखाने के लिए सर मैं सारे काम ले लूंगा, और सारे काम चक्कर में वो कुछ भी काम नहीं कर पाता, वो असफल हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, ट्रेनिंग की कमी होना। हम ऐसे काम भी अपने हाथ में ले लेते हैं जिसमें हम ट्रेंड नहीं होते। यदि आप ट्रेंड नहीं हो किसी काम में तो आप निश्चित तौर पर असफल होगे। यदि आप असफल नहीं होना चाहते तो जिस काम को आप अपने हाथ में लें उसकी पहले आप ट्रेनिंग लें। हमारा अगला पॉइंट, दृढ़ संकल्प का न होना। यानी कि हमारी जो होते हैं ना जिसमें होते हैं डिटरमाइंड, जो व्यक्ति डिटरमाइंड नहीं होगा, जिसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी मजबूत, तो वो इंसान जीवन में निश्चित तौर पर असफल होगा। इसलिए आप अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाइए। पॉइंट नंबर 11, पैसे के लालच में दूर की न सोचना। कुछ इंसान ऐसे होते हैं पैसे को बैंक में रखते डाल के, वो पैसे का रिस्क नहीं लेते। जो इंसान पैसे का रिस्क नहीं लेगा तो वो इंसान सफल नहीं हो सकता, वो असफल हो जाएगा। इसलिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, सफलता से बचना है। पॉइंट नंबर 12, संघर्ष से डरना। आजकल हर व्यक्ति चाहता है मैं सफल हो जाऊं पर संघर्ष न करूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। आपको यदि सफल होना है, असफल होना नहीं चाहते आप, संघर्ष कीजिए। तो कहा गया है ना, डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। इसलिए मैंने आपको जो बताया आपको 12 पॉइंट, आपको किस प्रकार लगे इनका आधार पर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं, और भी आपके दिमाग में हो सकते हैं ऐसे पॉइंट बताएं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त असफल न हो जीवन में, ये आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।